विकास क्षेत्र नूरा के अंतर्गत आशा पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे का पर्व नन्हे मुन्हे बच्चों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने कई वर्किंग मॉडल भी प्रस्तुत किए जिसे छोटे साइंटिस्ट का नाम दिया गया और साथ ही बाल मेला का बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। कई गेम भी आयोजित किए गए और उनके अभिभावकों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडल की सराहना की और उनके उत्साह को बढ़ाया। वहां पर बच्चों ने APS न्यूज का चैनल भी बनाया जिसके माध्यम से प्रत्येक अभिभावक से उस पर्व के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर क्षेत्र के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे जिस विद्यालय के संचालक श्रवण कुमार यादव, जिला कारागार निरीक्षक अध्यक्ष विनोद कुमार यादव एवं राजेश कुमार यादव प्रिंसिपल शिखा यादव मौजूद रहे। वहीं आशा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राहुल कुमार यादव ने कहा कि यह प्रोग्राम शहरों में होते हैं, आज हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं, मना रहे हैं। मुझे खुशी हो रही कि आशा पब्लिक स्कूल हमारे बच्चों को ऐसे मौके प्रदान कर रही है जो बच्चों के भविष्य के लिए प्रेरणादायक हैं। AEJ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी। जनपद हरदोई के बेनीगंज नगर पंचायत कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर राकेश कोटेदार, रोहित वैश्य, स्वरूप नारायण अस्थाना, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र वैश्य, जैनेन्द्र वैश्य, अभिमन्यु वैश्य आदि समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया। हरदोई से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी के थाना क्षेत्र महमूद खाला के अंतर्गत कुरेलवा गांव की है जहां पर बीती रात लगभग 1 बजे विद्युत करंट लगने से 3 सांडों की मौत हो गई जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर थाना प्रभारी जन्मेंजय सचान व पशु चिकित्सकों की टीम ने गांव में पहुंचकर शवों का PM कर अंतिम संस्कार करा दिया। जानकारी के अनुसार कुरेलवा निवासी विकलांग मोहित पुत्र अमरनाथ तिवारी ने ही फसल सुरक्षा हेतु करंट लगाने की बात कबूल की है। इसके आधार पर पुत्र मोहित व पिता अमरनाथ तिवारी को क्रूरतापूर्वक पशु वध के अंतर्गत हिरासत में ले गई।